अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगी। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हॉलीवुड स्टाइल का सन ब्लॉक। सो इसके बारे में बात करने से पहले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, साथ में बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो जल्द अज़ जल्द मिल सके। तो जी चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास हॉलीवुड स्टाइल का ऑयल फ्री सन ब्लॉक है SPF 45। ठीक है, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, 150 ml की ये ट्यूब है, 150 ml, और पैकेजिंग नॉट बैड। ठीक है, आप देख सकते हो इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये आपको फील हो रहा होगा, तकरीबन खाली हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रीम केयर UVA प्रोटेक्शन। ठीक है, और ये जो ब्रांड है वो है मेड इन USA का, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको किसी भी अच्छे सुपरमार्ट से मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप ले सकते हो इजीली। ये बहुत अच्छा सनब्लॉक है, सनब्लॉक हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। लाइक जो सन टैन प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा, इस इशू के लिए हम लोग सनब्लॉक यूज़ करते हैं क्योंकि उससे हमारी स्किन टैन भी होती है। अगर हम ये यूज़ ना करें तो फिर और भी एक्नी वगैरह इन चीज़ों का, डलनेस का, टू टोन स्किन का हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है ना, सो दैट्स वाई आप अगर ये चीज़ें आपसे दूर रहें तो डेफ़िनेटली अपनी बाहर जाने से पहले, जो लाइक कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या कोई वर्किंग लेडी हैं अपनी जॉब्स पे जाती हैं, तो वो डेफ़िनेटली मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप फेस वॉश कर लो। फेस वॉश करने के बाद देन आप बाहर जाने से पहले, लाइक 10 to 15 मिनट्स पहले आप सन ब्लॉक अप्लाई कर लो अपने पूरे फेस पर, देन हाथों पर भी। ठीक है, और चाहें तो आप पैरों पर भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग अप्लाई कर लो तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। जो हार्मफुल वगैरह जो भी रेज होती हैं वो आपकी स्किन तक इतनी जल्दी पहुंचने नहीं देता। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है ट्यूब पर के हर्बल फार्मूला है। ठीक है ना, यहाँ पर ये पूरा बता रहे हैं कि यहाँ पे, अच्छा इन्होंने अपनी टाइमिंग मेंशन की हुई है, अगर आई होप आपको नज़र आ रहा हो शायद, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने कहा है 20 to 30 मिनट्स बिफोर, मतलब कि बाहर जाने से पहले आपने ये वाला जो सनब्लॉक है ना वो 20 or 30 मिनट्स पहले लगाना है। यहाँ पे इसकी डायरेक्शंस बता रहे हैं, अप्लाई क्रीम ऑल स्किन बिफोर गोइंग आउट, यानी कि सनलाइट जो भी आप जाने से पहले दोपहर में निकलते हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स या मेल्स भी। ठीक है ना, ओनली फीमेल्स के लिए नहीं बात कर रही हूँ, बच्चों के लिए भी बात कर रही हूँ। बच्चे भी आजकल सनब्लॉक यूज़ करते हैं, किड्स के सनब्लॉक्स आ गए हैं, आप चाहो तो वो भी बाय कर सकते हो। बच्चे भी लगाएं, बड़े भी लगाएं, मेल्स एंड फीमेल्स, लेडीज़, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, ये सब के लिए सनब्लॉक डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी। और यहाँ पे SPF की बात कर लेते हैं, इसके अंदर 45 है। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा कहीं पर आपको 70 भी मिलता है, कहीं पे 50 भी मिलता है और कहीं पे 60 भी मिलता है। सो इट्स अप टू योर चॉइस कि आप कौन से ब्रांड का ले रहे हो और कितने SPF का ले रहे हो। सो ये आपकी चॉइस है। ठीक है ना, यहाँ पे मेंशन है सेफ अंडर द सन। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं, और यहाँ पर जो है ना कुछ लाइक स्टिकर टाइप, स्टिकर ही कह सकते हो ना, यहाँ पे बता रहा है एसिड रेन, पॉल्यूशन और ट्रैफिक स्मोक और पॉइंट बर्न लाइक डस्ट वगैरह, इन सब चीज़ों से ये आपको दूर रखेगा। अब आपको आई होप दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये ऊपर इन्होंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ जी, और यहाँ पर इन्होंने इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किए हुए हैं कि मिनरल ऑयल और ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स भी यूज़ हुए हुए हैं। बहरहाल तो ये बहुत अच्छा है, एक तो क्योंकि ये स्टिकीनेस इसके अंदर नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे भी सनब्लॉक्स होते हैं जिन जो के थोड़े से लाइक क्रीमी टेक्स्चर में होते हैं, तो वो ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयली स्किन वाले ये वाला यूज़ करें क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इसको लगाकर बिल्कुल भी पसीना नहीं आता। और कुछ लोग कहते हैं, चलो पहले मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए
ये दिखने में थोड़ी सी अमाउंट निकालूंगी मैं, ये देखिए ख़त्म हो चुका है तकरीबन। देखिए मैंने थोड़ी सी अमाउंट निकाला है, ये देख सकते हैं आप, ये कोई इतना थिक नहीं है, ठीक है ना, थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी में है, ज़्यादा में नहीं है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और कुछ लोगों को ये इशू होता है कि ये वाइट स्कार्स छोड़ता है, नहीं, मगर मैंने जब जहाँ तक इसको यूज़ किया है ऐसी मुझे तो कोई प्रॉब्लम फेस करने में नहीं आई है। मैं आपको दिखाती हूँ, आपके सामने ही इसको अपने हैंड पर ना ब्लेंड करके दिखाती हूँ, आप लोग अपने फेस पे ब्लेंड कर लीजिएगा। ये देखें, थोड़ा सा ही निकाला था, और ये देखें, तो जी आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, ऐसा कोई इसने वाइट कास्ट नहीं छोड़ा, जो कि लोग कहते हैं कि भाई इसमें ये इशू आता है, मुझे तो ऐसा कोई इशू फील नहीं हुआ। बहरहाल बाकी इट्स अप टू योर चॉइस कि आप लोगों को यूज़ करने में क्या लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, आप लोगों को मे भी के लगे। मेरे साथ इसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि आया आपके साथ ऐसा इशू आता है या नहीं। और दूसरी बात ये कि इसके अलावा कोई भी बात, ओके जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। इसके अलावा आपके कोई भी, आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।